किरण और लाइन में डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर हम उसे कह रहे हैं कि जैसे एक एंड जो है वहां पे आपकी किरण रुकी हुई है और दूसरे छोर की तरफ वो बढ़ती हुई जा रही है, तो हमारी जो रेखा होती है हम इसे क्या कहते हैं, सूर्य किरण। किरण जो हमारा वर्ड है उसमें एक एंड आपका हमेशा रुका हुआ होगा और दूसरा एंड हमेशा दिशा में मूव करता हुआ होगा, और लाइन में जबकि क्या होता है, दोनों दिशाएं जो होती है वो हमारी मूविंग होती है। तो हम इसके बाद बच्चे को धीरे धीरे रेखा में और एक लाइन में अंतर क्या है, किरण में और लाइन में क्या अंतर है पहले ये समझाएंगे, इसके आप विभिन्न एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसे अपने जनरल परिवेश जो उसके आसपास है, जैसे कि एक पेड़ है, एक पेड़ की जो शाखा है ना वो भी कुछ ना कुछ एक कोण बना रही होती है, एक पेड़ की शाखा भी कोई ना कोई कोण बना रही है। तो पहले तो बच्चे को एकदम से ज्यामिति के कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप उसे कोण पढ़ा रहे हैं आप उसे एंगल सिखाना शुरू कर दीजिए, इस कॉन्सेप्ट पे मत आइए। पहले उसे जनरली बताइए कि कोण का यूज क्या हो रहा है, क्यों पढ़ा रहे हैं हम उस बच्चे को ये चीज। हम उसे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अगर नेचर में भी हमारे आसपास जो चीजें व्यवस्थित करेंगे वो कोण के माध्यम से ही जुड़ी हुई है। इसके बाद मानव ने जब जीवन में निर्माण करना शुरू करा तब उसने घर बनाए, एक कमरा भी बनाया, तो उसमें भी कोई ना कोई एंगल बन रहा है। जैसे कि बच्चे से आप कहेंगे, अभी बच्चा खुद ही ऑब्जर्व करेगा कि ये देखिए दीवार है और जब उससे दूसरी दीवार जोड़ी गई तो वो किसी ना किसी कोण पर जुड़ी है, तब बच्चा खुद में नोटिस करेगा कि जब पेड़ का कोण बन रहा था तब उसका कुछ अलग तरीके का मतलब उसका अलग तरीके का निर्माण हो रहा था, जब दीवार का निर्माण हो रहा था तब अलग तरीके का हो रहा था, तब बच्चों को समझ आएगा कि कोण भी हमारे विभिन्न तरह के हैं और इन कोणों को मुझे समझना है, इन कोणों को मुझे सीखना है। फिर उसके बाद जैसे कि मेरी साथी टीचर ने बताया साइमा मैम ने, कि इसके बाद आप धीरे धीरे उनको कॉन्सेप्ट समझाना शुरू करिए कि कौन कौन से एंगल होते हैं, स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सीधी लाइन क्या होती है, उसको सीधी लाइन ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 180 डिग्री के कोण पर बन रही है। फिर उसको धीरे धीरे जैसे मैम ने बताया 2D फिगर और 3D फिगर, आप जैसे 2D फिगर और 3D फिगर की हम बात करें तो आपने जैसे बच्चे को बताया कि ये एक सर्किल है, अब इसको जब हम एक बोर्ड पर बना रहे हैं तब हम इसे एक सर्किल की फॉर्म में बना रहे हैं, लेकिन जब इसी चीज को हम अपने हाथ में लेना चाहें तब हमको इसके अंदर एक स्पेस भरनी है, जैसे कि हमारी फुटबॉल या जैसे कि हमारी बास्केटबॉल या कोई भी ऐसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर जब कुछ मास आ गया तब वो बन गया 3D में स्फीयर। तो यहाँ पे अगर वो सर्किल था तो यहाँ पे कोई स्फीयर बन गया। माफ कीजिए मुझे अभी इसका हिंदी वर्जन का मुझे इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, तो मैं उसमें गलती करूँ इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, कि 2D से अगर हम उसे सर्किल बोल रहे हैं तो 3D में उसी चीज का जब हमने ऐसा एक रूप लेकर आए जिसको हम अपने हाथों में होल्ड कर सके उसको हमने स्फीयर के फॉर्म देगा। सिमिलरली जैसे कि 2D जो आप पेपर और पेंसिल की मदद से बोर्ड पर बना सके या अपनी कॉपी में बना सके, तब मैंने उसको नाम दिया एक स्क्वायर का, तो उसी का जब मैंने 3D फिगर देखा तो उसका मैंने नाम दिया क्यूब, जिससे कि बच्चे खेलते हैं रूब्रिक्स क्यूब आता है बच्चे उससे खेल, आप उसका एग्जांपल आपके मैथ्स के किट में भी मिला हुआ है, उससे आप दिखा सकते हैं कि उसी स्क्वायर को जब मैंने विभिन्न एंगलों पे जोड़कर उसको जब मैंने अपने हाथ में लेने की कोशिश की तब वो एक 3D फिगर बन गई, यानी कि वो एक क्यूब बन गया। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 2D फिगर में एक रेक्टेंगल बनाया, उसी रेक्टेंगल को जब मैंने 3D फिगर में अपने हाथ में लेने की कोशिश की तब वो एक कमरे के रूप में या फिर कोई भी एक बॉक्स के रूप में मेरे हाथ में आ गया और उसको मैंने क्यूबॉइड का नाम दे दिया। इसी तरीके से 2D फिगर में अगर कोई त्रिभुज है, ट्रायंगल है, उसी को जब मैंने 3D फिगर में देखा तब मैंने उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश की तब वो एक प्रिज्म के रूप में मेरे सामने आ गया। तो बेसिकली बच्चे जो हमारे प्राइमरी स्तर तक आपको ज्ञान देना है उसको पहले अपने परिवेश से और नेचर से जोड़िए कि 2D और 3D में अंतर क्या है। 2D और 3D का अंतर समझाने से पहले उसे इन सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। ये एंगल हमारे आसपास ही बहुत ज्यादा बने हुए हैं, चाहे वो मानव निर्मित है या वो नेचर निर्मित है, पहले उनसे बच्चे को कनेक्ट करिए, बच्चे के स्वतः मन में एक जिज्ञासा। बहुत बढ़िया सर ने बताया कि 2D मैम ने बताया था जैसे दीवारों से ले सकते हैं कोण कैसे है, तो उसके बाद इससे रेक्टेंगल गोला नहीं ले सकते, गोले में थोड़ा डिफरेंस होता है जो बनाने में जो उभार लिए वो 3D में, ये हमारा त्रिभुज इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये हमारा त्रिभुज हो गया और ये जैसे इसे
हैमर हो गया आयत रेक्टेंगल बल्कि नहीं आप अच्छा मैंने तुम्हें दो दिन पहले कुछ शेर पढ़ाई पढ़ी थी सबने क्या क्या था व्रत था आयत था वर्त था है ना ठीक। अच्छा एक चीज ये बताओ तुम लोगों ने सिंधी देखी है दिवाली के मेले पे जब जाते हो बाजार सिंधी वगैरह देखते हो किस किस चीज की सिंधी देखी है बताओ बच्चे की होती है बाप वगैरह की होती है बहुत अच्छी अच्छी होती है लाके घर में लगाते हो है ना ऐसे ही कोई सीनरी है वो तुमने कहीं नहीं देखी होगी लेकिन उसके बाद में पता है मैं तुम्हें ऐसे एक बहुत अच्छी सीनरी मेरे हाथ में कागज देख रहे हो ये इसमें बनी होती है ठीक है तो उसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगी देख के बताना कि वो किस चीज की है तुम्हें क्या समझ में आ रहा है ठीक है सोच रहे होगी कि क्या बना हुआ इसके अंदर सोच रहे हो ना अच्छा किस चीज की हो सकती है सिंधी मेले की कुछ और चलो अच्छा मैं दिखाती हूँ भाई ठीक है क्या सोच रहे हो ये तो बड़े हैं पट्टी से लड्डू है ना और क्या है अच्छा परसों मैंने तुम्हें शेप पढ़ाई थी क्या बोलते हैं अच्छा किस किस चीज की शेप है त्रिभुज है कहाँ है त्रिकोण पे और कहाँ है एक यहाँ पर और अच्छा नीचे नीचे ना मैम 16 सभी इसमें ज्यादातर त्रिभुज ही बने हुए हैं
पेपर भर गए।